नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक पानखरे, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। जो कुछ सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, उससे कहीं ना कहीं न्यायपालिका ही हिट होती हुई नजर आ रही है। खासकर दो ऐसी घटनाएं हुई जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक चिंता बनी हुई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के बेंच ने मंगलवार को ही एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें यह कहा गया कि हर निजी संपत्ति का सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकती। और ये जब 9 बेंच के इस फैसले ने अभी तक के इस मामले पे कई जो फैसले अलग अलग न्यायालयों ने, खासकर सर्वोच्च न्यायालय के भी कुछ बेंच ने सुनाए हैं, उसको सबको दरकिनार करते हुए ये अब एक मास्टर फैसला माना जाएगा। लेकिन इस फैसले में 9 जजेस थे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कुछ टिप्पणियां की जिसपे घोर आपत्ति दूसरे जज साहिबा बीवी नागरत्न ने ली। अब और वो जो टिप्पणियां हैं वो बहुत गंभीर। जस्टिस नागरत्न ने अपने फैसले में सीजीआई चंद्रचूड़ के उस टिप्पणी पर भी टिप्पणी की जिसमें उन्होंने 46 साल पहले इस मसले पर अपनी राय रखने वाले न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर के फैसले का जिक्र किया। जस्टिस अय्यर ने तब क्या कहा था और सीजीआई चंद्रचूड़ अब क्या कहना है, यह बात तो मैं आपके सामने लाऊंगा। लेकिन इसके पहले जरा ये बताऊं कि ये निजी प्रॉपर्टी वाला मामला क्या था। संविधान के अनुच्छेद 39(b) के तहत हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इसका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है। अब ऐसा ही 9 जजों के संविधान पीठ ने 1978 से लेकर अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले पलटा दिए। ये जो 1978 में पहला फैसला और जिस फैसले में, यानी मंगलवार के फैसले में जिस फैसले पर टिप्पणी की गई है, वो कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी मामले में 1977 का फैसला था। यह मामला तब आया जब कर्नाटक सरकार ने निजी बस सेवाओं का राष्ट्रीयकरण के लिए एक कानून बनाया था। अब 7 न्यायाधीशों के पीठ ने 4-3 बहुमत से फैसला सुनाया, यानी 4 पक्ष में 3 अपक्ष में। और फैसला ये था कि सभी निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधनों के दायरे में नहीं आती है। अल्पमत में शामिल न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर ने तर्क दिया था कि सार्वजनिक और निजी दोनों संसाधन संविधान अनुच्छेद 39(b) के तहत समुदाय के भौतिक संसाधनों के दायरे में आते। अब अय्यर ने तब 1977 में ये कहा था कि संकीर्ण धारणाओं से उत्पन्न कानून और सार्वजनिक जरूरतों के बीच बहुत बड़े अंतर को उभारते कल्याणकारी राज्य के बदलती सामाजिक चेतना के अनुरूप पाटा जाना चाहिए समय समय के साथ। अब निजी संपत्ति को सार्वजनिक भलाई के लिए दिया जाता है तो संस्थागत संकटों और टकराव को प्रगतिशील व्याख्या से टाला जाना चाहिए और टाला जाना जरूरी है। अब इस बारे में जब मंगलवार को 9 पेज के पीठ ने जो फैसला सुनाया, उसमें मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह न्यायालय रंगनाथ रेड्डी केस के न्यायमूर्ति
अय्यर के अल्पसंख्यक दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। हमारा मानना है कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति वाले हर संसाधन को समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह भौतिक जरूरतों की योग्यता को पूरा करता है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जस्टिस अय्यर ने अपने फैसले में कार्ल मार्क्स का उल्लेख किया है। आगे चंद्रचूड़ साहब ने कहा, यह फैसला आर्थिक विचारधारा पर आधारित है कि निजी संपत्ति का इस्तेमाल राज्य द्वारा लोगों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। इस न्यायालय की भूमिका आर्थिक नीति निर्धारण नहीं करती है, बल्कि आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में सहायता करती है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सामाजिक दृष्टिकोण से उदार आर्थिक व्यवस्था में बदल गई। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि कृष्ण अय्यर के दृष्टिकोण को मैं सैद्धांतिक त्रुटि यह थी कि उन्होंने एक कठोर आर्थिक सिद्धांत की स्थापना की जो संवैधानिक शासन के लिए विशेष आधार के रूप में निजी संसाधनों को राज्य के अधिक नियंत्रण की वकालत करता है। अब इस पर, क्योंकि जो 1977 में जो फैसला हुआ उसके 1977 के परिप्रेक्ष्य में हुआ होगा, तब की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए हुआ होगा। जस्टिस नागरत्ना ने आगे क्या अपने निर्णय में क्या कहा, जो सीजीआई की ये टिप्पणी उनको नागावर गुजरी। क्या भारत में वर्ष 1991 से अपनाए गए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सिद्धांत अर्थव्यवस्था में सुधार और पिछले 3 दशकों में लाए गए ढांचागत बदलाव और भारत की आजादी पाने के तुरंत बाद के शतक में अपनाई गई सामाजिक आर्थिक नीतियों की तुलना हो सकती है? जो मैंने कहा, उन्होंने वही कहा कि 1991 में 1991 के बाद जो आर्थिक उदारीकरण हमारे यहाँ आया, जो प्राइवेटाइजेशन आया, जो ओपन इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, मनमोहन सिंह मतलब राव साहब के समय से ये शुरुआत हुई और फिर मनमोहन सिंह के 2 टेन्योर कंटिन्यू रही, तो 15 साल का ये जो उदारीकरण का पीरियड रहा, उसके बाद जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक बदलाव आए, क्या उसे हम आजादी के तुरंत बाद या आजादी के बाद के समय के जो समय था उससे आज की तुलना कर सकते हैं क्या? परिणाम स्वरूप इस न्यायालय के निर्णय जिन्होंने संविधान की व्याख्या राज्य की नीतियों के अनुरूप की थी को लिखने वाले की आलोचना की जा रही है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने न्यायमूर्ति अय्यर के फैसले पर मुख्य न्यायाधीश की कुछ टिप्पणियों पर सवाल उठाया और अनुचित है और कहा कि वो अनुचित है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई ऐसी टिप्पणियां पहले के फैसले और उनके लिखने वालों पर यह अस्पष्टता पैदा करती है कि वे भारत के संविधान के प्रति सम्मान नहीं करते होंगे। इस तरह के संकेत देते हैं कि वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने पद की शपथ के प्रति सच्चे नहीं रहे होंगे। हालांकि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने ये जो अभी मंगलवार को फैसला हुआ उसमें सहमति दर्शाई, लेकिन उन्होंने ये जो न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी का जरूर विरोध किया और मुझे लगता है कुछ हद तक ये सही है। वर्तमान में जो न्यायाधीश बैठते हैं तो वर्तमान की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए हर जगह पर अलग अलग फैसले होते हैं। राइट टू एजुकेशन ये बहुत बाद में आया, जब संविधान बना तब शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार बाद में मिला। राइट टू इंफॉर्मेशन ये बाद में अधिकार मिला। तो ये समय समय के साथ ये बदलाव होते हैं और ये बदलाव होने चाहिए। हाँ, संविधान का मूल ढांचा बना रहे ये वही है। तो तात्कालीन न्यायाधीशों ने जो फैसले दिए वो तात्कालीन सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में होते हैं। वर्तमान में वर्तमान की स्थिति को देखते हुए यदि संविधान की व्याख्या अपने हिसाब से और वर्तमान परिस्थिति को सामने रख के यदि वर्तमान बेंच ने किया तो उसका स्वागत है, लेकिन जो पुराने बेंच के न्यायाधीशों के निर्णय पर टिप्पणी करके बेवजह वो विवाद में आ गए और कहीं ना कहीं ये बात भी
सामने आई कि सर्वोच्च न्यायालय में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दूसरी घटना जो मैं जिसका जिक्र कर रहा था वो था कि जो एडवोकेट और रिकॉर्ड होते हैं उनको डेजिग्नेटेड सीनियर के लिए मतलब एक एक कैटेगरी है सर्वोच्च न्यायालय में वकीलों की डेजिग्नेटेड सीनियर, उसके लिए जो हर बार लोग अप्लाई करते हैं और फिर एक पैनल बैठता है जिसमें सभी न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, और फिर वो तय करते हैं कि इनको डेजिग्नेटेड सीनियर देना के लिए। इस बार जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में ऐसा एक नाम आया जिसमें दो जजों ने ऑब्जेक्शन लिया क्योंकि उनका रिकॉर्ड खराब था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश उस नाम को डेजिग्नेटेड सीनियर बनाने के लिए अड़े रहे और अंदर झगड़े इतने हो गए, मतलब बातचीत इतनी उग्र हो गई कि मुख्य न्यायाधीश को ये बताना पड़ा कि अपने साथी जजों को कि जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बात कर रहे हैं। हालांकि कई जजों का ये कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वन अमंग इक्वल होते हैं, हम में से ही उनके कोई विशेष खास अधिकार, मतलब हम में से ही एक न्यायाधीश माने जाते हैं, बस फर्क इतना होता है कि एक कोई सीनियर हो इसलिए एक मुख्य न्यायाधीश का पद होता है, बाकी करीब करीब उनके राइट्स एंड ड्यूटीज करीब करीब एक जैसी होती है कुछ एक दो चीजों छोड़ के। तो यदि सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही न्यायाधीशों को ये बताना पड़े कि मैं मुख्य न्यायाधीश हूँ तो कहीं ना कहीं मामला डिरेल होते हुए आए। ये बात वकीलों के बीच में भी ठीक से नहीं गई, राजनीतिक समीक्षक या जो कानूनी विशेषज्ञ है उन्होंने भी इस बवाल को बेवजह कहा, और ये भी लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जैसे जैसे रिटायरमेंट नजदीक आ रही है क्या मुख्य न्यायाधीश लगातार विवाद में आ रहे हैं, उनके कई जगह दिए हुए इंटरव्यू, उनकी कई बातें, खासकर प्रधानमंत्री को गणेश चतुर्थी पे घर पे जो आए थे उसका वीडियो रिलीज हुआ, उसको उन्होंने जस्टिफाई किया, उन्होंने कहा कि कुछ निर्णय ऐसे होते कि मैं भगवान को पूछ के करता, न्यायालय वो न्याय देवता की मूर्ति की आंखों की पट्टी उतारना, लाइब्रेरी को उन्होंने एक प्रयास किया था कि म्यूजियम बने, बहुत सारी चीजें थी कि जिनका काफी विरोध हुआ। कुल मिला के जब न्यायपालिका का अंदर का टकराव बाहर आता है लोगों की विश्वसनीयता डगमगा कर रखती है, ऐसे पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, इसके पहले कुछ न्यायाधीशों ने बाकायदा मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोस्टर पे ऑब्जेक्शन उठाए थे, तो तब भी ये अच्छा नहीं माना गया। कुल मिला के न्यायपालिका के अंदर जो चल रहा है उससे लोगों का विश्वास हीट होता है, सीधा डगमगाता है, और आखिर में न्यायपालिका ही संविधान की कस्टोडियन है, यदि वही दिमाग लग जाए तो फिर भगवान ही मालिक है, यही कह सकते हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।